कोई कितना भी मांगे, जन्माष्टमी के दिन ये चीजें किसी को मत देना वरना कृष्ण जी साथ छोड़ सकते हैं, ऐसा कहना है बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। वो कहते हैं कि किसी को दान देना पुण्य का काम होता है, किसी की जरूरत पे उधार देना या किसी से उधार लेना भी लोग करते ही हैं। लेकिन अगर जन्माष्टमी के दिन आपने गलती से भी ये चीजें किसी को दे दी तो कृष्ण जी आपसे हमेशा के लिए रुष्ट हो सकते हैं, आपकी सारी पूजा पाठ और भक्ति उन्हें मनाने के लिए कम पड़ जाएगी। आखिर कौन सी है वो चीजें, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख। नंद के लाल कृष्ण कन्हैया को ऐसी बहुत सी चीजें पसंद है जो जन्माष्टमी के दिन प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है, उनकी झांकी में सजाई जाती है या उनके श्रृंगार में लगाई जाती है। गुरुजी का कहना है कि भगवान कृष्ण से जुड़ी कोई भी चीज जन्माष्टमी के दिन आप अपने किसी खास मित्र या पड़ोसी को भी दान में या उधार में ना दे, क्योंकि ऐसा करने से आपको पुण्य मिलेगा या नहीं, लेकिन कृष्ण कन्हैया आपसे हमेशा के लिए नाराज जरूर हो सकते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन उनके जन्म का उत्सव मनाने का दिन होता है। इस दिन उनकी कोई प्रिय वस्तु आप किसी और को दे देंगे तो उनकी नाराजगी तो आपको झेलनी पड़ सकती है। जन्माष्टमी के दिन दूध से बनी मिठाई, खीर, पंचामृत, माखन, दही और जाने कितने प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए आप भूल कर भी जन्माष्टमी के दिन दूध, दही या मक्खन किसी को भी दान में या उधार में ना दे। अगर आप दूध, दही या मक्खन का बिजनेस करते हैं तो भी आप उसे उधार में ना दे। आप सामने वाले व्यक्ति को अगर ये चीज देना चाहते हैं तो उनसे उसका एक रुपया ही ले लें, लेकिन पैसा जरूर लें। ऐसा करने से लड्डू गोपाल जी के गुस्से का सामना आपको शायद कम करना पड़ेगा। गुरुजी का कहना है कि श्री कृष्ण जी को गाय अति प्रिय है, वो यादव वंश के हैं, उन्हें गाय चराना, ग्वालों के साथ खेलना अति प्रिय था। ऐसे में उनकी प्रिय गाय का दूध, दही, मक्खन अगर उनके भक्तों द्वारा उनके जन्माष्टमी पे किसी को दिया जाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो नाराज भी हो सकते हैं। कान्हा जी को गाय अत्यंत प्रिय है, इसीलिए जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी गाय और बछड़े को मारना या उन्हें सताना नहीं चाहिए। गाय का बछड़ा किसी को दान में नहीं देना चाहिए, ना ही किसी से बिना पूछे अपने घर पे लाना चाहिए, वरना कृष्ण जी नाराज हो सकते हैं। जन्माष्टमी में गाय की सेवा करने से कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं और विष्णु जी को तुलसी जी बेहद प्रिय हैं। जन्माष्टमी की पूजा में कृष्ण जी को अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी की पत्तियां आप तोड़ सकते हैं, लेकिन उस दिन आपको तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी है, क्योंकि तुलसी जी कभी भी बासी नहीं मानी जाती है। कृष्ण जी से जुड़ी कोई भी ऐसी चीज, उनका प्रिय कोई भी फल, गाय की मूर्ति, पालना, माँ यशोदा और कृष्ण जी की मूर्ति, खीरा, पान, लड्डू गोपाल जी के वस्त्र जैसी चीज आप किसी को भी भूल कर भी ना दें, ऐसा करने से आपको धन की हानि हो सकती है। जन्माष्टमी के दिन आप ना तो किसी से उधार पैसे में ले और ना ही किसी को उधार पैसे में दे, ऐसा करने से उधार देने या लेने वाला दोनों ही व्यक्ति कर्ज में डूब सकता है। गुरु जी कहते हैं कि जन्माष्टमी का त्योहार प्रेम पूर्वक मनाएं, लेकिन बताई गई बातों का आपको ध्यान रखना है। अपने परिवार और अपना भला सोचते हुए याद रखें कि आप जन्माष्टमी के दिन फूल से भी दही या मक्खन किसी को भी कभी ना दे, वरना आपके प्रिय कान्हा अगर आपसे नाराज हो गए तो उन्हें मनाना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, कौन सी चीज जन्माष्टमी के दिन किसी को देने से कृष्ण जी नाराज हो जाते हैं, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, ये जानकारी आप सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, ना कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।